हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरिया और सीमेंट का बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, यानी कि सरिया सीमेंट का हम लोग दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आप बहुत बड़े लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा। इसलिए आप अगर छोटे स्तर पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, गाँव में, कस्बे में, छोटे सिटी में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सरिया और सीमेंट का बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की हम लोग को ज़रूरत होगी, गोडाउन कितना बड़ा होना चाहिए हम लोग के पास, दुकान हम लोगों के पास कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, लोकेशन किस जगह हम लोग रखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के यहाँ पर आपको वीडियोस और भी मिलते रहते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लोकेशन देखना होगा, कि ऐसा लोकेशन जहां पर ग्राहक को आने में कोई असुविधा ना हो और ग्राहक आसानी से आपके पास आ जाएं और सीमेंट, सरिया या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगती हैं वो आपसे ले सकें। तो लोकेशन कहां रखें, चलिए ये जानते हैं हम लोग। तो लोकेशन दोस्तों आपको ऐसा जगह में रखना है जहाँ शहर से थोड़ा सा दूर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे गाँव वाले क्या होता है कि शहर जाना पड़ता है उनको ये सब सामान लेने के लिए। अगर आप गांव में स्टार्ट करते हैं तो गांव के किसी चौक चौराहे पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से मतलब कि 10 से 15 गांव वाले आसानी से आ सकें। या फिर अगर आप किसी कस्बे में स्टार्ट करते हैं तो वहां भी चौक चौराहा देखिए। और फिर अगर आप छोटे सिटी में स्टार्ट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि सिटी का भी कोई ऐसा जगह देख सकते हैं जहाँ पर लोगों को आने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आ सकें। किसी मार्केट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो छोटे मोटे सिटी के मार्केट होते हैं वहाँ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। स्टेप नंबर टू, अब आपको क्या करना हो कि जहाँ भी आपने लोकेशन देखा है वहाँ पर आपको रूम और एक गोडाउन लेना पड़ेगा। गोडाउन थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, कहीं भी ले सकते हैं आप, जहाँ तक गाड़ियाँ आसानी से जा सके। और दुकान जो रहेगा वो आपको रोड के किनारे ही लेना पड़ेगा। तो जहाँ मैंने लोकेशन आपको बताया उस लोकेशन पर आप एक रूम ले सकते हैं, छोटा सा ही लेंगे तो चलेगा, लेकिन गोडाउन आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो आप कितने बड़े स्केल पर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो उस हिसाब से देख के आप गोडाउन और दुकान ले लें। स्टेप नंबर थ्री, छोटे लेवल पर अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं आप गांव, कस्बे, छोटे सिटी में, तो फिर आपको दो लोगों की ज़रूरत होगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि वो आपका जैसे सीमेंट लोड करना रहा, कुछ उतारना रहा, तो ये सब छोटे मोटे काम जो है उनको दीजिएगा आप, इसलिए आपको दो लोगों की ज़रूरत तो शुरुआत में पड़ेगी, इसलिए आप दो लोगों को हायर कर सकते हैं। स्टेप नंबर फोर, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? तो देखिए, एक गाड़ी तो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते हैं गाड़ी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो सबसे पहले एक गाड़ी ले लीजिए, सेकंड हैंड भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें माल कहीं अगर किसी को सप्लाई करना हो तो आप सप्लाई कर सकते हैं, उसके बदले आप उससे भाड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कमाई का ये एक जरिया है, इसलिए अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि दुकान में आपको काउंटर चाहिए, हो सके तो एक कंप्यूटर ले लीजिए, हिसाब करने में, हिसाब रखने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। आपको बिल चाहिए, इसके साथ ही आपको कैलकुलेटर चाहिए, और बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह आपको चाहिए होंगी। स्टेप नंबर फाइव, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा लाइसेंस लेना होगा। तो सबसे पहले आपको GST नंबर चाहिए, इसके साथ ही आप इस बिजनेस को शॉप में स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस एक लेना होगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप करवा लेते हैं तो आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर सिक्स, जब ये सारे प्रोसेस जितना मैंने आपको बताया वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आपको माल मंगवाना होगा। तो माल आप कहाँ से मंगवाएंगे? तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर एक मैनेजर भी होते हैं, तो उस मैनेजर से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके आसपास में जो भी फैक्ट्रियाँ हैं सीमेंट की, सरिया की, या फिर और भी जो सामान जो बिल्डिंग बनाने में उपयोग होती हैं, वो सारे सामान आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, जो फैक्ट्रियों के मैनेजर होते हैं उनसे, ठीक है। तो आप अलग अलग कंपनियों के सीमेंट, अलग अलग कंपनियों के सरिया वगैरह आप मंगवा सकते हैं आसानी से। उसके बाद बात आ जाता है कि हम लोग शुरुआत में कितना माल मंगवा सकते हैं। तो आपको जितना लगता है कि मैं बेच लूँगा तो उतना आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा भी ना मंगवा लें शुरुआत में थोड़ा कम ही मंगवाएं। उसके बाद जैसे ही आपका ये बिजनेस थोड़ा थोड़ा चलता है तो उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें और भी ज़्यादा माल भर सकते हैं। स्टेप नंबर सेवन, अब दोस्तों इस बिजनेस को आप स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके पास बुलाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस बिजनेस को आपको थोड़ा सा प्रचार करवाना होगा इस बिजनेस को। तो कैसे उसको करवा सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे पैम्पलेट आप बंटवा सकते हैं शुरुआत में, जैसे कि 10-15 गांव तक अगर बटा देते हैं आप पैम्पलेट, या फिर सिटी में रहते हैं तो वहाँ बंटवा देते हैं, तो क्या होगा कि इससे बहुत सारे कस्टमर आपके पास आने लगेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा
ठीक है। तो ये काम आप करवा सकते हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। स्टेप नंबर 8, अब हम लोग बात करते हैं कि इस दुकान में आप क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें बेच सकते हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि सरिया और सीमेंट तो है ही, इसके साथ आप आयरन के जो पतले पतले तार आते हैं जो सरिया को बांधने के काम आते हैं वो बेच सकते हैं। आप वायरिंग के जो पाइप आते हैं वो बेच सकते हैं। आप प्लास्टिक बेच सकते हैं जो छत पर लगाते हैं, जैसे कि रिंग भी आता है सरिया का बना हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं इसमें। तो देखिए कि लोगों को दूर तक क्या जाना पड़ता है लाने के लिए, अगर वैसी चीज़ें आप वहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं लोगों को तो वो सब सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं वहाँ पर, इससे आपकी अच्छी कमाई होगी। स्टेप नंबर 9, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इस बिज़नेस को अगर हम लोग छोटे लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो देखिए, अगर कम से कम भी छोटा लेवल पर भी इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं, कम से कम आपको 5 लाख रुपये इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होगा शुरुआत में, जिसमें आपका रूम और गोडाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने माल और जो सामान आप लगाने वाले हैं वो सब चीज़ों का मैंने आपको बताया, तो इतना अगर आप रखते हैं तो आपका इतना में हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अनुसार देखिए कि आप इस बिज़नेस को कितना में स्टार्ट कर सकते हैं। और भी अगर छोटे लेवल पर अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको और भी थोड़ा सा कम पैसे लगेंगे, और अगर आप बड़े स्केल पर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आपको और भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार देख लीजिए कि आप इस बिज़नेस को कितने में स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 10, अब हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों छोटे स्केल पर सरिया और सीमेंट का बिज़नेस अगर हम लोग शुरू करते हैं, इसका दुकान खोलते हैं, तो हम लोग को कितना कमाई होगा। देखिए, किसी किसी दिन आपका बोहनी भी नहीं होगा, मतलब कि आपके एक भी कस्टमर नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये रेगुलर नहीं चलता है, किसी दिन आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, किसी दिन नहीं होगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है बिज़नेस में, अच्छा कमाई होगा। अगर कोई मोटा ग्राहक आ जाता है, जैसे नहीं कि अगर एक कस्टमर आता है तो आपका इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये होता है कि डेली आपको कस्टमर यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा आप शुरुआत में जो है अपने धैर्य को बनाए रखिएगा और लगे रहिएगा, तो आपको फ़ायदा ही होगा आगे चल के। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।